नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज शाम फिर से जो है साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, और साधारण ब्याज के चलते आज जो हैं जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उन क्वेश्चंस में 27 क्वेश्चन जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं, और हम आज इनको करेंगे। और इसमें डिफरेंट टाइप्स पेपर में कैसे रहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि मैथ जो है वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तभी मैथ आएगा। सीधा बोलने से ट्रिक तो तब आते हैं जब आप मेहनत करते हैं, और ज़्यादा ट्रिक वो कामयाब होते हैं जो आपके खुद के बनाए होते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने बढ़िया ट्रिक्स आपको मिलेंगे। तो टुडे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप करिए। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, 76,535 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों बाद कितना सरल ब्याज मिलेगा। आपको ये बताना है कि कितना सरल ब्याज जो है इसके बाद इसको मिलेगा। तो इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या आंसर आया इसका, एनीबडी इन द क्लास अब निकालिए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिजिट था यहाँ पर, इसीलिए क्वेश्चन आपने शायद नहीं किया होगा। नाउ यू कैन डू इट, अभी इस क्वेश्चन को करेंगे आप। मुझे पता था अभी आपका इतनी देर से आंसर नहीं आ रहा था, आप करें आप इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखें धनराशि जो है मूलधन कितना दिया गया है वो है आपके पास 6,535, दर कितनी है यहाँ पर जो है वो है आपके 10%, और समय कितना है आपका 6 वर्ष। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन था, ब्याज निकालने का साधारण जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, मूलधन गुणा दर गुणा क्या होगा समय, और नीचे क्या आएगा बटे में आएगा आपके 100। तो यहाँ पर आपके 6,535 को आपने जब दर जो है जब आपने 10 गुणा 6 और बटे में क्या आ गया आपके 100, तो यहाँ पे आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया वेन एवर जब इसका आंसर क्या आया, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर 6×5=30, 6×3=18, 3×21, 6×5=30, 30×2=32, 6×36=2=38। तो ये 10 यहाँ से कट जाएगा, ये आपके पास बच गया 3,300 की 3,921, 6×36=5×30, ठीक है 3,921, ये आ गया आंसर। एनवेडिंग तक राज जिसने निकाल लिया, राहुल जी निकाला, स्पीड चाहिए, जैसे आपने निकाल दिया आपका आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए, मुझे पता लग जाना चाहिए कि आप कितनी स्पीड में क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज के दर को पता लगाएं अगर 2 साल बाद 1,200 रुपये की राशि 1,400 रुपये के बराबर हो जाती है। साधारण ब्याज की दर आपको पता लगानी है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कल भी हमने इसको प्रैक्टिसाइज किया था। आप देखें यहाँ पर जो है मूलधन जो है वो है आपके पास कितना है 1,200 रुपये, और फिर आपको मिश्र धन मिल जाता है जिसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर मिश्र धन जो है वो है 1,440 रुपये। तो ब्याज यहाँ कितना मिला, तो ब्याज क्या क्या आएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे 1,440 माइनस 1,200 जो पहले कर लेगा मुझे ज़रूर बताएगा, 240 रुपये कितने आ गए इसके ब्याज के। आपको यहाँ पे निकालना है दर, क्या निकालनी है दर। दोस्तों कल भी हमने इस फॉर्मूले को कि दर बराबर है तो क्या आ गया, ब्याज गुणा सौ, और नीचे आपका क्या आ गया यहाँ पर ब्याज गुणा सौ, और नीचे क्या आएगा समय, और साथ में क्या है मूलधन, क्या है मूलधन, आप आगे भी इसे लिख सकते हैं कोई समस्या नहीं। तो ब्याज यहाँ कितना है 240 रुपये है, और यहाँ पे राहुल जी आप जल्दी बताएंगे जो आगे बैठे क्या आंसर है आपका। तो यहाँ पर समय जो है वो है 2 वर्ष, यहाँ पे समय दे रखा है साथ में वो है आपका 2 वर्ष, और साथ में समय के साथ मूलधन कितना है यहाँ पर 1,200 रुपये। तो यहाँ पे 2 0 कट गए, 12×12, 12×2=24 और 2×10, तो आपके पास जो है इसका आंसर क्या आया 10%। कितने लोग हैं जिन्होंने निकाल लिया, आपने साथ में आंसर आना चाहिए आपका कि आपने क्वेश्चन निकाल लिया। ठीक है अगर आप बोलेंगे तभी क्वेश्चन निकलेगा। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, सीताराम ने
क्वेश्चन है, सीताराम ने 6% वार्षिक सरल ब्याज पर 7,450 रुपये का निवेश किया, कितने वर्षों बाद उसे 8,790 की धनराशि मिली। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ क्या निकालना है, यहाँ पे मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना है यहाँ पर 7,450, उसके बाद यहाँ पे मिश्रधन दे रखा है जो है 8,790, तो यहाँ का ब्याज कितना बना, सबसे पहले ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बना 8,791 माइनस 7,450, आपके पास कितना आ गई है, माइनस करके जो है वो आपके पास कितना आया, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग, जल्दी बताओ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर 8,791 माइनस 7,450 आपने माइनस किया, यहाँ पर आपके पास आ गया ये 1,341, ठीक है, ये आपका ब्याज बन गया। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे दर दे रखी है, दर कितनी है 6%, आपको निकालना है समय, क्या निकालना है समय। तो दोस्तों समय का फॉर्मूला फिर वही बात आ गई, समय बराबर है तो यहाँ क्या गया 100 गुणा ब्याज, ब्याज इस तरफ चला जाएगा और बच क्या गया मूलधन गुणा साथ में क्या रह गया, गुणा क्या गया दर। तो यहाँ पे 100 गुणा 1,341 बटे में क्या आ गया आपके मूलधन कितना है 7,450 और गुणा क्या आ गया आपका दर, दर कितनी है यहाँ पर 6, एक जीरो से कट गया ये, 2, 5, 2×10, 5×5, ये बने 5×20, 5×9=45 और ये बन गया आपके पास 4×5=3, 8×9 तीन से चला जाएगा क्योंकि जिसका जोड़ जो है तीन से चला जाएगा तो 4×5=9=14 नहीं जाएगा लेकिन ये चला जाएगा 3×2=6 और यहाँ पे 3×4=12 और यहाँ पे 3×4=12 3×7=21 और ये 2×1=2 और ये 2×1=2 तो यहाँ पर ये हमारे पास बच गया, ठीक है। तो हमारे पास कुल मिला के जो है वो इसका आंसर क्या आएगा, एनीबडी इन द क्लास, कितना आएगा, एक सौ उनंजा है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये तो जीरो है नहीं यहाँ पर, ये नहीं है, ये तो आपने देखना था, मैं देख रहा हूँ आप कितने जल्दी निकालते हैं, निकालो भाई कितना आंसर है। अगर आपकी गुणा फास्ट नहीं है तो मान लो आप क्या हैं जीरो, 149 आया यहाँ पर भाई साहब, ये तीन से गुणा हो जाएगा, उत्तर आएगा 3, कितना आएगा 3, ये एनीबडी इन द क्लास किसका आंसर आया, शाबाश एक बंदे का आया। देखो एक बात है, अगर आपका बोर्ड मास फास्ट नहीं है तो आप जीरो हैं, ठीक है ना, जीरो नहीं थी, जीरो कट गई थी इसके साथ। राहुल जी ध्यान, दोनों राहुल ध्यान रखें, आगे पीछे बैठे हैं, लग रहा पता आपको कितना मैथ आता है एंड ये लाइव आप देख रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर चार पे, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में पर एक राशि दुगुनी हो जाएगी, वो राशि क्या कि दर है, दर निकालनी है आपको, क्या निकालनी है दर। देखो दोस्तों दर निकालनी है और दर निकालने का एक फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, इसमें एक फॉर्मूला आपको मैं लिखवा दूंगा, आर बराबर है एन माइनस वन बटे टी, ये याद रखना आपने सीधा ही, ऐसे क्वेश्चन में सीधा ट्रिक जो है वो आपके सामने है, ये ट्रिक आपने अपने नोट्स में जरूर बना के रखिए। आर का मतलब है दर, वर्ष जो है यहाँ पर कितने वर्ष थे 4 वर्ष थे और समय कितना था, ठीक है, कितने समय में वो क्या हो जाएगी 2 गुना, कितनी हो जाएगी 2 गुना, तो कितने एन जो है वो कितने गुना हो जाएगा, तो वो आपका रहेगा एन जो है वो गुणा का आंसर है कि कितने में रह जाएगा, तो समय है ये, यहाँ पे एन जो है वो कितना है 2 और समय कितना टी टाइम है, तो यहाँ पे क्या आ गया 4, मतलब ये फॉर्मूला क्या है, दर बराबर है ये 2 गुना, जितना गुना है उसके माइनस ए करना आपने और नीचे क्या करना है समय, क्या आएगा समय। अगर आपको इसमें से कुछ भी निकालना हो,
समय निकालना है तो समय यहाँ चला जाएगा, दर नीचे आ जाएगी, याद रखना आपने। अगर इसी क्वेश्चन में ये समय निकालने को आ जाता है तो समय ऊपर चला जाएगा, दर नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या आ गया मेरे पास, एक बड़ा चार। तो एक बड़ा चार का अर्थ क्या होगा, एक बड़ा चार और साथ में क्या होगा, गुणा क्या आएगा, सौ। गुणा क्या आएगा, सौ, प्रतिशतता भी निकलेगा, गुणा सौ जरूर करें आप यहाँ पर, गुणा सौ। तो चार से पच्चीस गया तो मेरे पास क्या आ गया, 25%। ये आंसर आपने परमानेंट याद रखना है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो हैं लगातार पेपरों में आ रहे हैं, आपने डायरेक्ट याद रखना इसके बारे में। डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको बताया, दर बराबर है गुणा, जितना गुणा होगा माइनस एक, बटे में क्या आ जाएगा, समय। और आपने बार बार जब एक आधी बार ऐसा क्वेश्चन कर लिए तो आपके दिमाग में वैसा ही रहना चाहिए। समझ आ गया ये क्वेश्चन, अगर आपने स्टेप से करना है तो मानना पड़ेगा यहाँ पर, आप ऐसे भी जाएगा मैं वैसे भी निकाल दूंगा। कैसे, सबसे पहले आपको मूलधन मानना पड़ेगा वहाँ पे x, दर यहाँ पे जो है वो निकालनी है, समय कितना है यहाँ पर, चार वर्ष, ठीक है, कितने समय बाद, उसके बाद दो गुणा, यानी कि ब्याज की, ब्याज जो है वो क्या हो जाएगा, 2x, कितना आएगा, 2x। दोस्तों तब ये आएगा आपका 2x बराबर है मूलधन गुणा दर, दर आपने निकालनी है, समय कितना आ गया यहाँ पर, चार वर्ष, बटे क्या आ गया आपका, 100, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दर जो है 2x बटे एक्स, ठीक है, और यहाँ पे 100 बटा क्या आएगा, चार, ये से कट गया, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो पचास, यहाँ पर कट कटा के जो है मेरे पास जो, सॉरी, यहाँ पर जो कट कटा के मेरे पास आएगा वो क्या आ जाएगा फिर आपका, 25। पर एक बार फिर से इसको जो है हम दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं, तो चेक करने के बाद भी हमारे पास यहाँ पे क्या बना, 25, क्या बना, 25, दो दूनी चार, समझ आ रहा है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन ऐसे भी निकल जाएगा, लेकिन ऐसे क्या पड़ेगा, लेंथी, क्या पड़ेगा, लेंथी। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूलेशन आपको बताया। अगले क्वेश्चन पे चलें, आपने ट्रिक को जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर पाँच है, धनराशि बताएं जिसमें 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से जो है प्रतिदिन 1 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता हो। दोस्तों बड़ा मज़ेदार है प्रश्न ये, यहाँ पे आपको मूलधन निकालना है, क्या निकालना है, मूलधन, ब्याज दे रखा है, समय भी दे रखा है, एक से एक वर्ष ही है। तो क्या आ गया यहाँ पर, मूलधन कितना है, आपको मूलधन निकालना है, दर कितनी है, 5%, ठीक है, समय कितना है, एक वर्ष, कितना है, एक वर्ष, और यहाँ पर ब्याज कितना है, ब्याज कहता है 1 रुपया प्रतिदिन, यानी कि 365 दिन होते हैं एक दिन में, तो कितना आ गया, 365 रुपये। आपको निकालना क्या है यहाँ पर, मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए वही फॉर्मूलेशन, तो क्या आ गया, 100 गुणा ब्याज, ब्याज इस तरफ था, ठीक है, और यह नीचे क्या बच गया आपका, समय गुणा क्या आ गया, दर। तो दोस्तों जब आपने क्वेश्चन को निकाला, 100, ब्याज कितना आपका 365 है, समय कितना यहाँ पर, 1 है, और दर कितनी है यहाँ पर, 5, कितनी है, 5, 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 10, 2 6 12, 12 1 13, 2 3 6 1 7, लगी साथ में 0, आपका इस कितना आंसर आया, 7300, कितना आया, 7300। जिसने ये निकाला हाथ खड़ा करो, ये फास्ट होना चाहिए, ठीक है, मैं इसलिए आपके साथ इसको कर रहा हूँ कि आप जरूर स्पीड रखें, अगर आप स्पीड नहीं रखेंगे तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। समझ आ रहा है, पीछे समझ आ रहा है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी तो आपका टेस्ट पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 6, एक निर्दिष्ट राशि पर जो है वो आपको 8% की ब्याज पर 4 वर्षों में इतने ब्याज में होता है, तो धन राशि ज्ञात करिए। आपको बड़ा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको धनराशि निकालनी है, जल्दी निकालेंगे, फास्ट, वही बात आ गया, समय यहाँ कितना है, 8 वर्ष, दर, सॉरी, समय कितना है, 4 वर्ष, लेकिन दर कितनी है, 8% दर है, समय कितना है, 4, और यहाँ पर ब्याज कितना है, 3840। आपको निकालना क्या है, खाली मूलधन, मूलधन क्या आएगा, 100, गुणा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ब्याज, कल मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था ये, तो यहाँ पे क्या आ गया, दर, और साथ में क्या आ गया, समय,
तो 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना है 3840, और नीचे दर कितना है, दर आपकी 8, और समय कितना है आपका 4। तो यहाँ पर 4 से 25 गया, यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करें तो 8 × 8, 8 × 32, 8 × 24, और 43 दूना कितने होते हैं यहाँ पे, कितना आंसर है आपका, 3 × 6 = 4 × 8, ठीक है, क्या आंसर आया, जल्दी निकालें आप फास्ट। सर, कितना, इतनी तकड़ी गुणा किसने की, लेट हो गया, चलो कोई बैठो बैठो। तो यहाँ क्या आया, कितना आया और कोई, सरदार जी वेरी गुड, और कोई, यहाँ पे जो आंसर है ये देखो, ये 8 है, वैसे निकाल लो 4 से 25 आना था यहाँ पर, मैं देख रहा था आप क्या बोलते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, जो मर्जी लिख दो बोर्ड पे, ये 8 है, ये 4 है, ठीक है, मैंने 8 को ऐसे रखा 4 × 8, और जहाँ पे 4 × 25 आ गया ये, ठीक है, फिर आ गया मेरे पास ये 4 × 4, 4 से चला गया, 2 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 5 = 10, तो 25 × 5 = 125, ठीक है, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 5 × 5 = 25, लेकिन साथ में एक क्या है, 0 भी है, ठीक है, तो साथ में 0 भी लगेगी यहाँ पर, तो मेरे पास अल्टीमेट जो आंसर वो क्या आएगा, राजी निकाल के देखने से द्वारा, सरदार जी अरे बताओ इनको, आपकी अगर गुणा फास्ट नहीं है तो दोस्तों फिर आपको मैथ में कोई नहीं निकाल सकता, ये आपने बात याद रखना, अगर आपकी गुणा फास्ट नहीं है तो आपको कोई भी मैथ में पास नहीं करवा पाएगा, ये तो कॉपी पे लिख लेना ये बात, ठीक है, ये देखो 8 × 32, 8 × 24, 430 × 25, अभी ले लेते हैं, ये देखो 5 × 15, 25 × 75, 7 बचे, 25 × 100, 100 तो यहाँ पे कितना आ गया, जल्दी करो जल्दी, कितना आया, ये आया ना, फिर अगले क्वेश्चन पे, राहुल जी दिमाग से किया करो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फिर से बड़ा आसान क्वेश्चन है, वही बात आ गई, आपको अब निकालना है वर्ष, क्या निकालना है, वर्ष, मैंने एक ट्रिक बताया आपको पहले यहाँ पर, वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन ट्रिक क्या बताया था आपको, यहाँ पे आप क्या लिखना है, समय, क्या लिखना है, समय, ठीक है, यहाँ पे आपको खाली क्या रहेगा, समय, और साथ में बराबर क्या आएगा आपको, यहाँ क्या जाएगी, दर, क्या जाएगी, दर, और कितने वर्ष में कोई धनराशि 10% 3 गुणा हो जाएगी, ऊपर क्या आएगा, गुणा, और साथ में माइनस क्या आएगा, माइनस 1, गुणा क्या जाएगा, 100, ये लिखवाया थोड़ी देर पहले मैंने आपको, आप गुणा कितना है यहाँ पर, 3, दर कितनी है, 10, और यहाँ पे कितना है, 100, तो यहाँ पे 10 × 100, ये बन गया 2 × 10 बराबर है क्या आ गया, 20 वर्ष, ये ट्रिक याद रखना, बड़ा आसान ट्रिक है ये ट्रिक आसान है इसलिए आपको लिखवाया, लेकिन अगर वैसे करना है तो वैसे भी क्वेश्चन हो जाएगा, आपको यहाँ मानना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कितने वर्ष में कोई धनराशि जो है, अब कोई धनराशि मतलब एक्स मान ली पहले, फिर ब्याज आएगा उसका 2, कितना है, 3 गुणा, ब्याज की दर से 3 गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे दर कितनी है, 10% है, समय आपको निकालना है, ठीक है, तो समय बराबर है, वही बात आ जाएगी, ब्याज, तो ब्याज गुणा 3x है, ठीक है, और गुणा 100, और नीचे क्या है, x, ठीक है, और साथ में दर क्या है, 10 है, ठीक है, ऐसे ही निकलेगा, और ऐसे कट कट करते हुए जो है वहाँ पर जो है आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, तब जाके आंसर निकलेगा, ये यहाँ पे डायरेक्ट जो है आप क्वेश्चन कर रहे हैं, और डायरेक्ट मैंने अभी आपको इसके तरीका बताया है, हो गया ये, आगे चलें, आगे जब आएगा तो आपने खुद बताना मेरे को, आगे साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि निवेश की जाती है, यदि 10 वर्षों में 3 गुणा हो जाती है, कितने गुणा जाती है, 3, तो ब्याज की दर क्या होगी,
अब आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, दर, क्या निकालना है, दर। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आएगा, मूलधन, क्या आएगा, मूलधन, क्या होगा मूलधन, यहाँ पर क्या मानेंगे, जल्दी बताओ मूलधन क्या मानेंगे, एक्स। यहाँ पर और क्या दिया है, समय कितना है, 10 वर्ष, और दर कितनी दी है, दर ही निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, दर। लेकिन ये लिखा है 3 गुनी हो जाती है 10 वर्षों में, यानी कि मिश्र धन कितना हो जाता है, 3 गुना, कितना गुना हो जाता है, 3 गुना, ठीक है, ये 3 गुना हो गया। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर, दर, क्या निकालना है, दर, दर मैंने ऐसे लिख दी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, दर बराबर है 100 गुणा क्या आएगा यहाँ पर, ब्याज, और साथ में क्या आएगा, नीचे क्या आएगा आपके, मूलधन गुणा समय, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ गया, मैं आपके पास 100 गुणा ब्याज, कितना है आपका पास, ब्याज यहाँ निकालना था, ब्याज क्या आना था, 3x माइनस एक्स कितना बन गया, 2x, कितना आ गया, 2x, और यहाँ पे मूलधन क्या है, एक्स, समय कितना है यहाँ पर, 10, ये कट गया, ये दोस्तों इसके साथ कट गया, कितना आ गया, कितना आ गया, 20%, कितना आ गया, 20%, ये बन गया आपके पास 20%, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, जो ट्रिक मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, इस ट्रिक से भी क्या आ गया, क्या आ गया, 20%। अभी बताया ना मैंने, सोना नहीं किसी ने भी, अगर किसी को नींद लगी, ये यहाँ से उठाओ इसको, ऐसे ऐसे करो, ये यहाँ से सीधे के बैठे, थोड़ा इसको उठा दो, नींद लग रही है, ग्राउंड में जो जाता है उसको नींद आ जाती है, नींद बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो यहाँ पे ये ऐसे ट्रिक लगाइए, ट्रिक मैंने लिखवाया ना पहले, वो ट्रिक है यहाँ पर, आप ट्रिक से भी कर लो चाहे ऐसे कर लो, मैं ऐसे बता रहा था पहले आपको, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप वो करिए। लेकिन याद रखना, अगर आपने नहीं की होगी मेहनत, ये नहीं प्रैक्टिस की होगी, तो 0 आप लोग, फिर नहीं आपको आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नौ में आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कोई 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का 30% हो, तो बताएं वो कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ी सी यहाँ पे दिमाग लगेगा, क्या लगेगा, दिमाग। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो हमें माननी पड़ेंगी, ठीक है, और मैं इसके लिए और छोटा कोई ट्रिक देख रहा हूँ कि इससे भी और छोटा ट्रिक क्या हो सकता है, तो और ज़्यादा छोटा ट्रिक जो है वो क्या रहेगा आपका, यहाँ पे एक्स और वाई आप मान लेते हैं, तो यहाँ पे ना 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है मूल राशि का 30%, तो बताएं, तो अगर दो बातें हो सकती हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा अलग करूँगा, यहाँ पे कुछ और मेथड से है और मैं आपको कुछ और मेथड से करवाऊँगा। ब्याज की दर मान लो, क्योंकि दर नहीं है यहाँ पर, ब्याज की दर मान लो बाई एक्स, ठीक है, और मूलधन मान लो एक्स, और समय मान लो यहाँ पर 6 वर्ष, कितना आ गया, 6 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ से अगर आपको निकालना पड़े, यानी कि ब्याज, क्या आ गया, ब्याज, तो ये देखो दोस्तों, ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ब्याज बराबर है मूल राशि का 30%, क्या लिखा है, मूल राशि का, यानी कि आपका जो ये मूल है इसका 30%, तो इसका 30% कितना है, 30% ऑफ एक्स, ठीक है, यही है ना। और सामने क्या आएगा, मूलधन, यानी कि अगर बात करें वहाँ पर, दर, समय, बाई गुणा एक्स, साथ में और क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6, और बटे में क्या आएगा, 100,
आप यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर जो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूलधन आ गया, दर आ गई, ये हमने मानी थी दर, क्या मानी थी दर, ये दर है ब्याज की दर, ठीक है, ये आपकी दर है, ये आपका मूलधन है, और साथ में ये क्या है आपका समय, ठीक है, ये ब्याज है जो इसने ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 30 बटे 100 इंटू एक्स बराबर है 22 गुणा एक्स गुणा 6 बटे 100, ऐसे लिखा, यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, मेरे पास क्या बना वहाँ पे 6 22 बराबर है 30, तो मेरे पास आ गया 22 बराबर है 5, कितना आ गया 22 बराबर है 5, यानी कि 5% दर से चलेगा, कितनी दर से चलेगा 5% दर से, समझ आ रहा है आपको, तो ये 5% दर से चलेगा, मैंने जितना इसको शॉर्टकट कर सकता मैंने किया, 5% दर से 20 वर्षों में धन दुगुना हो जाएगा, कितने वर्षों से, क्योंकि 5% का मतलब क्या हुआ 5/100, तो क्या गया, आप बोलेंगे सर आपने सीधा लिख दिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे दर आ गया, मेरे पास समय आ गया, और साथ में मेरे पास यहाँ पे क्या आया 30%, 30% ऑफ 22, तो 22 कितना है यहाँ पर, इसमें भरें आप 30/100 गुणा क्या आ गया 6, ठीक है, अगर मैं इसको उस फॉर्म में करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मेरे पास वहाँ पे कट, यानी कि 22 की जो वैल्यू है 22% जो मैंने माना है वो 5% है, और जो समय जो है, क्योंकि 5% की दर से 100/5 धन क्या हो जाएगा 2 गुना, कितना हो जाएगा 2 गुना, कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा, तो बराबर तो तब होगा जब वो इसके इक्विलिब्रियम वहाँ पर आएगा, तो आपने एस्टिमेशन वैल्यूज यहाँ पे रहती है वो क्या आएगी आपकी 20 वर्ष, समझ गए, मैंने कंक्लूड किया क्वेश्चन को जितना कंक्लूड कर सकते थे, ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 है, साधारण ब्याज की किस दर को दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी, ये फिर वही क्वेश्चन है, आपको निकालना क्या है यहाँ पर, दर, क्या निकालनी है दर, मैंने लिख दी दर, नीचे क्या आ गया समय, और ऊपर क्या आ गया गुणा, यहाँ क्या आ गया -1, और साथ सबके साथ क्या हो गया 100, तो यहाँ पे कितना एक निश्चित समय में 15 वर्षों में, यानी कि नीचे क्या आ गया 15, कितनी गुणा हो जाएगी 2, साथ में क्या आ गया 100, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 100/15, तो 15 * 90, ठीक है, तो आपके पास जो एस्टिमेटेड वैल्यू जो है इसकी जो यहाँ पर रहने वाली है वो रहेगी आपके 6 * 2/3, क्या रहेगी 6 * 2/3, यहाँ कट कट आ गए 3 आ गया जी 6, तो ये आपके यहाँ आंसर बन गया, इसका मतलब इनमें से कोई आंसर है आपका, ये हो सकता है 6 * 2/3, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा 6 * 2/3, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर आप वैसे भी निकाल सकते हैं, तो वैसे तो आपको सीधा पता है, साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी 2 गुना, कितनी हो जाएगी 2 गुना, तो ब्याज यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुना, करके बताऊँ वैसे भी, ये देखना आपने, ये तो आ गया सिंपल, ठीक है, और वैसे क्या आना था, देखो माना मूलधन कितना आ गया एक्स, ठीक है, उसमें समय कितना है 15 वर्ष, ठीक है, आपको निकालना क्या है दर, ब्याज यहाँ पे दे रखा है, ब्याज कितना है, ये मान लो दर मान ली आर, ब्याज कितना है 2 गुना हो गया, सॉरी मिश्रधन कितना हो गया 2 गुना, कितना हो गया 2 गुना, ये लिखा है ना, 2 गुना हो जाएगा, तो ब्याज कितना आया 2x - x, कितना आ गया x, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या है आपके 100, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या निकालना है दर बराबर है 100 गुणा ब्याज, और नीचे क्या आ जाएगा आपके समय इंटू मूलधन, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 100 आ गया, ब्याज कितना आया था x,
समय कितना आया था, समय कितना दिया आपको 15, और साथ में मूलधन भी कितना है एक्स, एक्स एक्स कट गया 15 से आ गया, तो मेरे पास आ गया 6 से ही 2/3%। ये लो, ये आपकी मर्जी है कि आपने ऐसे करना है तो ऐसे भी आ जाएगा, अगर आपने ऐसे सीधा ट्रिक से करना जैसे मैंने आपको बताया ट्रिक, आप वैसे भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा कि आपने कैसे करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, एक रकम सरल ब्याज पर 5 वर्षों में 5200 रुपये बन जाती है और 7 वर्षों में 5680 बन जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या रहेगी। बड़ा ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप कैसे करेंगे ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें एक तो डायरेक्ट है, एक डायरेक्ट फार्मूला है, दोनों फार्मूले से करेंगे। सबसे पहले हम वैसे कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, ये है 5 वर्षों में, 5 वर्षों में मिश्र धन कितना आ गया 5200 रुपये, 5200 रुपये हो गया। 7 वर्षों में मिश्र धन कितना हो गया 5680। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो एक वर्ष का ब्याज क्या रहेगा, ये निकालना ना आपको, ये कितने का है 2 का, 2 वर्ष का ना, देखो 7 - 2 कितने बन गए, सॉरी 7 - 5 कितने आ गए 5 वर्ष में मिश्र धन कितना आया 5680 और यहाँ पे बन गया 5200। ठीक है, ये 8, 6 से 2 गए 4 कितना बन गया 480 रुपये। तो ये 2 वर्ष है, यहाँ पर 2 वर्षों का मिश्र धन है, तो एक वर्ष का कितना आएगा 480/2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 कितना बन गया 240 रुपये, कितना आ गया 240 रुपये। अब ये कहता है मूलधन, ये तो बन गया आपका ये, ठीक है, तो अब आया आपका मूलधन, तो भाई साहब मूलधन ये तो एक वर्ष का है ना, ठीक है, तो 5 वर्षों में 5200 हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा आसान है ये, आगे निकाल पाएंगे आप। ये दोस्तों एक साल का मिश्र धन है, ठीक है, तो 5 वर्षों का मिश्र धन कितना होगा, वो तो दे रखा है उसने, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये इसका क्या है यहाँ पर, ये क्या है इसका, तो ये क्या आ गया 5200 - -240/5, तो मेरे पास क्या आ गया 5200 - 2, 5 × 20, 5 × 10 = 12, तो ये क्या बन गया मेरे पास 3000 रुपये, कितना आ गया 3000 रुपये। तो आपके पास जो है 24×5 क्या आया 4000, कितना आ गया 4000 है। तो आपने इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपने निकालनी है दर, क्या निकालना है दर, तो दर बराबर क्या है, दर बराबर है 100 × ब्याज और नीचे क्या आ जाएगा आपका समय / मूलधन, ऐसे आया, तो यहाँ पे 100 ब्याज कितना आया अभी 4000, ठीक है, यही है ना, ब्याज नहीं आया 4000, मूलधन आया 4000, आप लोग तो बड़े ए क्लास बंदे हैं, यहाँ पे आया 100, यहाँ पे मूलधन ब्याज कितना आया था यहाँ पर 240, शाबाश, और यहाँ पे क्या है समय कितना है, जल्दी बोला करो यार, एक वर्ष का था 240, तो यहाँ पे क्या आ गया मूलधन कितना आया 4000, ठीक है, इससे 2 कट गए, 1 से ये कट गया, क्या बन गया 6%। ये है दोस्तों, राहुल जी पता लगा, आपने पहले मैथ पढ़ा हुआ है और आई वॉन्ट टू चेक दैट कि कितना मैथ आप अभी कर पा रहे हो, ठीक है, कितना आप लोग कर पा रहे हो, सरदार जी पता लग गया तुम, बल्ले बल्ले होगी, ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखो इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कर लिया आपने, सेटिस्फाइड हो, आप इसको शॉर्ट ट्रिक में करते हैं, हमें ये ना एक क्वेश्चन ये लेंथी था, ठीक है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, बार बार घिसना पड़ेगा,
मैं आपको इसको और एक छोटे तरीके से दिखाता हूं, मिश्र धनों का अंतर, और ये लिख दिया आपने मिश्र धनों का, थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, का अंतर और बटे में आपको देना पड़ेगा। यहां पर, यहां पे क्या है, यहां पे या तो समय है मिश्र धन व समय के वज्र गुण का अंतर। अब ये मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि है क्या। बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मिश्र धनों का अंतर फॉर एग्जाम्पल तो पांच और नीचे क्या आ गया सात, पांच का क्या था 5200, थोड़ा सा उल्टा है ये, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। ये कितना है 5680। अब जब मैंने इसको, ये इतना आ गया, ठीक है, आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा इसमें क्या चेंज करना है, एक तो ऊपर क्या करना है, ये वाले कॉन्सेप्ट में दिया ध्यान देना आपने, यहाँ पे क्या लिखा मैंने 5680 माइनस 5200, ठीक है, और ये तो हो गया इसका अंतर, गुणा क्या आ गया आपके साथ 100, गुणा क्या आ गया यहाँ पर 100, और नीचे आप क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे दोनों का, ये देखना आपने ध्यान से, ऐसे करना पड़ेगा आपको ऐसे, यानी कि ये इससे गुणा हुआ तो ये इससे गुणा हुआ तो यहाँ पे आ गया आपके पास, और ये इसके साथ हुआ तो 5 0 5 8 40, 5 6 30, 4 34, 5 5 25, 4 29, ऐसे आ गया 28,400, और दूसरा दूसरी तरफ क्या आया 7, कितना आया 38,400, ऐसे आया, देखना जल्द फास्ट करना जरा, ठीक है आ गया, ठीक है। तो आपने इसमें से इसको निकाल दिया, यानी कि आप यहाँ क्या करेंगे 38,400 माइनस 28,400, तो आपके पास क्या आ गया 480, बटे में क्या आया आपके यहाँ पे 800। यहाँ क्या लिखूँ मैं, यहाँ पे डिजिट उल्टा लिख गया, तो क्या आया यहाँ पर, ये दो कट गए, ये कट गया, क्या बन गया 6%, कितना आ गया 6%। दोस्तों ये भी 6% आया, लेकिन आपको निकालने का ट्रिक मैंने बता दिया, आपने ट्रिक क्या लिखना है, मिश्र धनों का अंतर, का अंतर, और नीचे ये आएगा समय मिश्र धन व समय का वज्र गुणा, वज्र गुणा ऐसे लिखी जाती क्रॉस करके, गुणा क्या आएगा 100। ये इसका फॉर्मूला ट्रिक, जो आप अपनी भाषा में कर सकते हैं, ठीक है, जितना मेहनत करेंगे उतना आएगा, ये लिख लीजिए कॉपी पे, बार बार जब क्वेश्चन आएगा बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, ठीक है। वैसे आप अपना ट्रिक भी कोई बना सकते हैं, अगर आप बार बार करेंगे तो कुछ नया भी आपके दिमाग में आ सकता है, समझ के चलें आगे, क्वेश्चन बहुत आगे अभी, चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12, जल्दी करना। एक लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी निकालना, मैं सीधा लिख रहा हूँ, निकालना क्या मुझे यहाँ पर, समय, समय बराबर है 100 गुणा ब्याज, और नीचे क्या आएगा आपके दर गुणा मूलधन, यहाँ पे आ गया 100 ब्याज, ठीक है, तो ब्याज कितना आया यहाँ पर, ₹1200 दे रखा है यहाँ पर, दर कितनी यहाँ पर 5, और समय कितना है वो आपको निकालना है कि मूलधन कितना है 3000, जल्दी निकालो आप, इतनी देर में तो क्वेश्चन ही हो जाना था।
जिसका ये आया बताना, कितना परसेंट आया? 8%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, एक धन राशि, ये बिल्कुल आसान है, जल्दी करें आप, ये तो है ही बिल्कुल आसान, इसमें कुछ है ही नहीं। एक धन राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 815 एवं 4 वर्षों पर 454 होती है, तो वो धनराशि क्या होगी? जल्दी करना यार, तो एक सेकंड का क्वेश्चन है। जल्दी करना जल्दी, जब निकल जाएगा तो मेरे को बताना। जल्दी करो जल्दी, 39 रुपये। तो निकालना क्या आपको? धन राशि क्या निकालनी है? धन राशि, कितने आ गए? कितना है? 6। इतना आसान क्वेश्चन था ना, कितने लोग हैं जिन्होंने निकाल लिया? किन लोगों ने निकाला? क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, बड़े आसान से क्वेश्चन होंगे लेकिन आपको वहाँ पे टिपिकल लग जाएंगे, तो आपने इस तरह करना, इसलिए इसको राइट डाउन, और बार बार आप उसके बाद फिर से जो है वीडियो आपको ऑनलाइन पढ़े होते हैं, अलग अलग ग्रुप में पढ़े होते हैं, अलग अलग चैनल पर आपको मिल जाएंगे ये, ठीक है? तो आप वहाँ से बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। समझ गए, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्या था? 3 वर्षों का साधारण ब्याज था, 1 वर्ष का क्या आना था? 854 से 815 निकाल दिया, 39, 3 वर्षों का कितना था? 39 × 3, ठीक है? तो ये 1 वर्ष का था और ये 3 वर्ष का है, जब ये 3 वर्ष का था तो उसके निकाल दिया, तो धनराशि क्या निकली? 815 से मूलधन से आपने मिश्रधन से माइनस कर दिया, आपके पास आ गया। अगला क्वेश्चन फास्ट करना इसको, कई बार क्वेश्चन में प्रिंटिंग में गड़बड़ है। आर मान लिया मैंने, प्रश्न अनुसार ये क्या कहता है? 1 वर्ष बाद प्राप्त राशि अनुपात धन 10/12 प्रति वर्ष की दर आप बताइए, तो आपको ये बताना है कि वहां पे प्रति वर्ष क्या रहता है। तो ये क्या था? मूलधन एवं वर्ष के बाद प्राप्त राशि, तो आपने क्या मान ली? 12 माइनस क्या आ गई? 10। ये क्या, यहाँ पे जो मूलधन है वो आपने क्या माना? 10 गुणा आर गुणा 1 बटे क्या आ गया? 100। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान देना। ये कहता है कि मूलधन 1 वर्ष बाद जो प्राप्त राशि है वो अनुपात में ऐसे मिली 10/12, यानी 10 वहाँ पे क्या है? मूलधन, और 12 वहाँ पे क्या है? मिश्रधन हो सकता है। तो जब ये मिश्रधन है तो ये क्या आ गया? 12 - 10, समझ आ रहा है? ये दर आ गया, ये आपके पास मूलधन है और ये समय कितना है? 1 वर्ष। तो आपके यहाँ 2 बराबर है 10 r/100, और ये क्या r बराबर है? 2 × 100/10,
तो 10 से 10 चला गया, आपके पास क्या आ गया 20%, क्या आ गया 20 है जिसने निकाला कोई? शाबाश, बड़ा आसान क्वेश्चन था अगर आप सामने देखते तो। मूलधन और एक वर्ष बाद प्राप्त राशि का अनुपात जो है 10:12, यानी 10 मूलधन था तो 12 क्या था? मिश्र धन। घिसना पड़ेगा ये ऊपर वाला खोपड़ा, क्या बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी करना आप, निकालो जल्दी निकालो, समय की बहुत कमी है। आपको निकालना है मूलधन, कोई धनराशि समान ब्याज की दर पर 5 वर्षों के बाद 9800 रुपये और 8 वर्षों के बाद 12,005 हो जाती है तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी? अठ माइनस 5 × 5, 5 वर्षों बाद, है तो बड़ा आसान है। 5 वर्षों बाद आ गया 9800 को माइनस आ गया तो यहाँ पर आ गया ये 12,005 माइनस 9800, ऐसे आएगा 8 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद, यानी 8 − 5 × क्या आ गया 5, तो ये आ गया आपका, ये तो है आपका मिश्र धन, तो ये आ गया आपका 9800, तो ये आ गया आपका 12,005 में 9800 माइनस करेंगे आप 5, 0, 8, 10, 2, यहाँ कितने आगे 3 कैसे आएंगे यार, 2 आएंगे तो आप तो कमाल ही है, 22,05, ठीक है। तो क्या क्या 22,05 बटे क्या आ गया आपके 3 × क्या है यहाँ पे 5, 5 × 2 = 7, 2 = 9, 3 से चला जाएगा 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, 5 कितना आ गया 9800 × सॉरी माइनस है, माइनस क्या आ गया 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 × 2 = 17, 5 × 7 = 35, माइनस करके क्या आया 9800 − 3675, कितना आ गया यार, गुणा करा करो, मैं ही करना क्वेश्चन, तो मैं ही करूँगा तो फिर आपने क्या करना, कितना आया 6125। ये क्या है आपका मूलधन, क्या आ गया मूलधन, ठीक है, ये आपका मूलधन है। अब आपको क्या निकालना है, अब देखो दोस्तों मैंने सीधा कैसे किया इसको समझ लो आप, ये पहले मैं करवा रहा था इतनी देर से, ये आपका यहाँ पे मान लो 5 वर्षों बाद ये मिला आपको, ठीक है, तो 8 वर्षों बाद ये मिला, तो हमने किया क्या 5 और 8 में फ़र्क कितना है 3 वर्ष का, कितने वर्ष का 3 वर्ष का, तो मैंने क्या किया कि 3 वर्ष का जो यहाँ पर ब्याज था वो मैंने निकालना था, तो वो मेरा निकला यहाँ पर ये, ठीक है, ये ब्याज है 3 वर्षों के बाद, वो मैंने इससे माइनस कर दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो लिखने के बाद मैंने सीधा तब मेरे पास क्या आया 6125 रुपये, समझ आ रही मेरी बात, यानी कि ये है आपका 5 वर्ष बाद और ये है आपका 8 वर्ष बाद। मैंने क्या किया, ये मेरा क्या था मिश्र धन था, ठीक है, मेरे को निकालना था मूलधन, तो मैं अगर मुझे 3 वर्षों का क्या चाहिए फिर ब्याज, तो 3 वर्षों का ब्याज कैसे आना था 8 − 5, ऊपर दोनों को माइनस कर दिया, गुणा 5 कर दिया, 5 वर्ष थे ना, 5 वर्षों में कितना ब्याज बढ़ा वो तो लिखना ही था मैंने, तो मैंने लिख दिया, तो मेरे पास आ गया ये आ गया 735 रुपये, असल में 735 रुपये प्रतिवर्ष बन रहा था, उसको मैंने गुणा किससे कर दिया 5 से, वो मैंने मूलधन से माइनस कर दिया, मेरे पास क्या बन गया 6125 आ गया मूलधन, आ गया राहुल आ गया। अब इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद निकालना आपको दर, ब्याज की दर निकालनी है,
तो आपके पास दर बराबर है, क्या आएगा, दर बराबर है यहाँ पर ब्याज गुणा क्या हो जाएगा 100, और नीचे क्या आ जाएगा समय गुणा मूलधन। तो यहाँ पर दोस्तों सब कुछ दे रखा है, यहाँ पर आपको क्या था, यहाँ से आपको पास 2205, ये क्या है ये ब्याज, ये क्या है ब्याज, दोनों को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया बीच वाला ब्याज, और यहाँ पे ये आ गया 100। मूलधन कितना है यहाँ पर जो मैंने अभी निकाला, वो कितना आया 6625। अच्छा दोस्तों मज़ेदार बात है, समय बताओ क्या रहेगा, एनीबडी इन द क्लास समय क्या रहेगा यहाँ पर, जिसका ध्यान क्वेश्चन पे होगा वो एकदम से बता देगा। यहाँ पे मैंने ये लिया 2205, यानी मैंने इसके इसमें से कम कर दिया, ये है ब्याज, ये क्या है ब्याज, कितने वर्षों का था ये, शाबाश गुड, कितने वर्षों का, 3 वर्षों का 3 वर्ष, तो 3 आने थे यहाँ पर, तब ये कट कट आके तब निकलेगा क्वेश्चन ये, ठीक है, और तब जाके ये आएगा जिसने जिसने भी आंसर पहले निकाला, चाहे तुक्के से निकाला, 12 कैसे आया, 3 × 3 = 21 35 बन गया, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे निकालना ज़रा जल्दी, निकालना जल्दी, 5 × 5 ठीक है, 5 × 20 5 × 7 = 35 5 × 5 = 10 ठीक, 5 × 5 = 10 5 × 10 = 5 = 25 तो ये कितना आ गया यहाँ पर, निकालो जल्दी निकालना ज़रा, फिर देखूँगा मैं कि आपका 12% कैसे बना, 6625। हाँ भाई कितना आया, देखो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन गुणा फास्ट नहीं है, अगर आपको उसमें उसमें आप कंजूसी करते हो तो आप फिर मैथ में कंपटीशन में नहीं निकल सकते, अगर आपको कोई बड़ा एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। अग्निवीर के लिए तो मैंने क्लियर कर दिया, वो तो पहले हो गया था, 12 कितना आएगा, 12% यहाँ पर आया, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मज़ेदार क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा था अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष बाद 720 रुपये के बराबर है, 7 साल के बाद 1020 के बराबर है, तो राशि कितनी है, इतना आसान क्वेश्चन, जल्दी करो जरा, पहला साधारण ब्याज 620 रुपये, ठीक है, मूलधन एक्स, दर ये, समय कितना है यहाँ पर 2, समय कितना है 2, और नीचे क्या आएगा आपके 100, आप करते रहो, ये तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, तो क्या क्या 720 × 100/2 = r, ठीक है, तो यह 36 आर बराबर है, ये आ गया ऐसे, मैंने ऐसे कर लिया कट कट आके, दूसरी क्या बनेगी, एक्स भी है यहाँ पर, एक्स इंटू आर, क्या है एक्स इंटू आर, चलो ऐसे रहने दो इसको, आपने ऐसे लिख दिया, एक रख लो इसको, दूसरा 1020 मूलधन गुणा दर गुणा समय बड़े 100, शाबाश कितना आया 600, ये दोनों आपस में क्या दिए इसने बराबर, क्या दिए हैं बराबर, बराबर दिए ना दोनों, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो क्या होगा, यानी दोनों को हल करेंगे आप, क्या आएगा,
600 रुपये आया, कैसे आया? 720 गुणा 100 बराबर है, और बटे दो कर दो, यहाँ पे x गुणा r कर लो, ठीक है, और नीचे वाले केस में भी 1020 गुणा यहाँ पर आएगा 100, 7 साल के बराबर है, यानी 7 माइनस 5 जल्दी करो, जल्दी क्या आया? हाँ शाबाश, x गुणा r। अब इन दोनों में जो है वो कितने का फर्क है, 2 साल बाद और 7 साल बाद, यानी कि 5 साल, कितना है 5 साल। आपने दोनों को जब कंपेयर किया है, दोनों को कंपेयर करने के बाद, तो आपके पास बनता है 600 रुपये, लेकिन बनेगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहेगा आपका, ये तो आ गया आपका, आगे इसमें दोनों को जब कंपेरेटिव में लेके जाएंगे तो इसका आंसर आएगा, वो 7xr है वो ये, ठीक है, और ये 5xr है, यानी कि 7xr माइनस ये कितना है 2xr, ठीक है, और सामने से आपके पास कितना आ गया 5xr, और बराबर क्या है आपके, राहुल जी कितना आया? निकाला कैसे, जल्दी बोलो, है निकाल दिया आपने, कैसे निकाला बताओ, 5xr। ऐसे आ गए, ठीक है, कैसे निकाला राहुल जी, सरदार जी बताएं, कृपा करें, जल्दी बताएं, मुझे तो आपको और छोटे से छोटा करना है, लेकिन करें कैसे, क्या था बता, दिखा दे, एक वो दो को हल करने, यहाँ से दिखा दे, यहीं से दिखाना, हाँ तो यही तो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये 2/5 ऐसे निकालना था, ऐसे ही निकलेगा, बड़े में क्या आ गया 7 माइनस 5 क्या बनेंगे 2, ठीक है, 2 यहाँ से फिर उस तरफ चला जाएगा, और यहाँ पे जब 2 बचेगा तो भी 2 300 से गुणा हो जाएगा, तो फिर कितना आएगा आपका 600, कितना आएगा 600। दोस्तों ये तो पहला तरीका था, दूसरा तरीका जो हम बार बार यूज़ कर रहे थे वो वही था जो पिछले उसमें हमने किया, ठीक है, जो पिछला प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे ही ये क्वेश्चन, ये थोड़ा मैंने अलग तरीके से किया कि इसमें मैंने एक्स बोल दिया, आपको आर बोल दिया, कि आप इस तरीके को भी समझ जाएं, ये तरीका लेंथी है और वो तरीका क्या है शॉर्ट है, आप जैसे इसमें वैल्यू भरेंगे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसने सरदार जी ने वैसे किया जो पिछला मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 17 करें जल्दी से, अब ये तो कर देना सरदार जी, ये तो आसान है, कितना 900, कैसे 2 वर्षों में 500, 900 जाती है तो धन क्या होगा, दो वर्ष में 500, ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है मेरे को लग रहा है, क्वेश्चन नंबर है ये 17, ठीक है, 2 वर्षों में 400 और 4 वर्षों में 900,
यहाँ पे चार लिखना था, मैं तभी बोलूँ कैसे निकाल दिया आपने। यहाँ पे चार वर्षों में कितना आएगा? 900। आप निकालो, अब तो और आसान है। कहाँ से ऊपर बैठा दे, ले जाओ ऊपर को। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा? आप तो कर दो, इतनी देर जल्दी करें आप। कितना आ गया? तो पहले क्या निकाल? तो आगे आप देखेंगे यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, आप देखेंगे थोड़ा सा समय लगा यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आया आपका? 100। कितना आंसर आया? 100। देखो सरदार जी, इतनी देर में तो आलू निकाल के निकाल भी देना था यार, कमाल है। आज देखो इसमें दो वर्षों में कितना था? 500। तो यहाँ पे अगर दो चार माइनस दो करें तो कितना आएगा? दो। तो यहाँ पे 900 माइनस 500 कितना आ गया? 400। तो ये दो वर्ष का है, तो एक का क्या रहेगा? कैसे रहेगा? 100। ये आ गया आपका 100, ठीक है। लेकिन ये दो वर्षों का है, 200। कितना आ गया ये? 200। आपको निकालना एक वर्ष का, ठीक है। तो एक वर्ष का निकालने के लिए 200 आ गया दो वर्षों का, तो एक का कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100। फिर आएगा 100। हाँ तो फिर निकालना है ना ऐसे, कॉमन है तो आपने लगानी, मैं तो ना लगानी। ये क्वेश्चन आपका वहाँ पे फास्ट होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। घुमा रहा है वो इसको, फिरकी घुमा रहा है ना, फिरकी। आपको ये समझना है कि कैसे करना, ठीक है। टाइम पास नहीं करना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में माना एक्स, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे आप किसी राशि का 5 वर्षों में सरल ब्याज पर ये हो जाता है, तो उसी का उस राशि पर 4 वर्षों में कितना होगा? आप क्वेश्चन को लिखें जल्दी से, जल्दी करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये है बड़ा आसान है। मैं आप बिना बुल्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और आप पेन ही ला के करो। यहाँ तक कर दी मैंने, आगे कर लो। क्या आएगा? 1550 एक्स गुणार, ठीक है। आपको निकालना है उसी दर से राशि का 4 वर्षों में कितना ब्याज बनेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे निकालना है दर, और साथ में ये क्या है? मूलधन। दर गुणा मूलधन गुणा क्या होता है? समय, और बटे में क्या होता है? 100। बटे में क्या होता है? 100। आपको निकालना है 4 वर्षों का, तो दर और मूलधन का गुणांक तो अभी देखा मैंने 1550, समय कितना आ गया? 4। बटे क्या आ गया? 100। एक कट गया, 2 × 4, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 5, भाई साहब कितना बन गया? ए बन गया ये। मैं इतनी देर से ये देख रहा हूँ कि आपका पिच क्या है, मैं काफ़ी देर से चेक कर रहा हूँ। आपका स्पीड इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट है तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आता है। अग्निवीर का हम कर चुके हैं मैथ, अग्निवीर का मैथ वही आएगा, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। अग्निवीर में वो मैथ आएगा जो मैं पहले दिन पढ़ाया था,
उसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अग्निवीर में। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी लेवल के हैं, आपके स्टेटहुड लेवल के हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसके हैं, और बहुत आसान मैथ है। आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को बार बार करेंगे तो होगा। मैंने किया क्या, ये मैंने मूलधन मान लिया, ये दर मान ली, ये समय था, ये मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा सौ। मैंने मूलधन दर को ऐसे गुणा गुणा में रहने दिया, ये मूलधन गुणा दर है, इसको ऐसे रहने दिया, और इसके बाद जो था मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, मैंने ब्याज, चार वर्षों का ब्याज निकालना था। फार्मूला क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा सौ। ये मेरे पास पहले ही था, कितना है 1550, मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास कितना आ गया 62 रुपये, कितना आ गया बिना मूलधन निकाले मैंने सीधा ब्याज निकाल दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि चार वर्षों में 100 बढ़कर 200 हो जाए और इसे 800 होने में कितना समय लगेगा। जब मज़ेदार क्वेश्चन भाई साहब, करना जरा जल्दी। चार वर्षों में 100 बढ़कर, चल ठीक है, अच्छा बड़े जाप शाबाश करते जाओ। वैसे ये सिंपल है, इसमें कोई तो इसमें ज़्यादा गुणा है ही नहीं, करो जरा। चार वर्षों में 1, 2, 3 और 4, चार वर्षों में 100 बढ़कर 200 हो जाता है 100, तो इसे 800 होने में कितना टाइम लगेगा। 100 रुपये चार वर्षों में बढ़कर कितना जाता है 200, जल्दी करना, मैंने अगला क्वेश्चन करना है। चार वर्ष में दुगना, हाँ हाँ पहले तू ऐसे बोलेगा अभी, ये देखो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, सीधी सीधी गुणाएं। एनीबडी इन द क्लास, किसी ने निकाला 8 भी निकाली किसी ने, और कोई, और कोई, ये तो रहा गया फिर यार, 16 पहले बोल दिया, दिमाग लगाओ जरा। हाँ भाई तू बोल मार, तू कमोर कितना हुआ, कितना हुआ 8। हाँ भाई, हाँ दिल्ली भाई कितना होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, वो चार वर्षों में डबल हो रहा है, 100 से बढ़कर क्या हो गया 200 से बढ़कर कितना हुआ 400 से बढ़कर कितना हुआ 800। तो भाई साहब कितने वर्षों में हुआ, 4 जमा 4 जमा 4, कितने वर्षों में हुआ 12, कितने वर्षों में हुआ 12। ये इतना आसान क्वेश्चन था। अब यार ये क्वेश्चन भी है सरदार जी, फिर बोलो कहाँ जाएंगे हम, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दिमाग घिसना पड़ेगा। किसी भी एकेडमी में चले जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, अगर आप कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस नहीं करोगे यू आर जीरो। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी हंस रहे होने पढ़ पढ़ के, वो बोल रहे होने कि यार ये तो बंदे बड़े मज़ेदार हैं। ठीक है, समझ आ गया कैसे किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी करना, अब टाइम बहुत कम है क्योंकि अगली क्लासेस का टाइम हो रहा है। आप क्वेश्चन करें यहाँ पर, ये और भी आसान है, जल्दी करना। धनराशि जो है, मूलधन कितना है मान लिया एक्स, ब्याज कितना है 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी 3x, समय कितना है 3 वर्ष, मुझे आपको समय 10 वर्ष, कितना है 10 वर्ष, और इसका एक और तरीका है जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, कुछ एक तरीका मैंने पहले बताया था, तो आपको निकालना क्या है दर, क्या निकालनी है दर। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहली बात है, ये ब्याज है, सॉरी ये ब्याज है, तो ब्याज नहीं, ये मिश्रधन है, क्या है ये मिश्रधन। कोई मूलधन जो है वो इतने वर्षों में क्या हो जाएगा 3 गुणा 10 वर्षों में, तो ब्याज कितना आया, मूलधन माइनस, सॉरी मिश्रधन माइनस मूलधन कितना आ गया 2x। आपको निकालना क्या है दर, दर निकालनी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब्याज गुणा 100 और बटे में क्या आएगा आपका मूलधन गुणा समय, ऐसे आएगा। आपने यहाँ पे किया, ब्याज कितना था आपका 2x, मूलधन कितना था माना हुआ x, समय कितना है 10, x से x कट गया 10 दया 100, कितने वर्ष आ गया दोस्तों 20 वर्ष, कितना उत्तर आ गया 20 वर्ष। अभी इसी क्वेश्चन को वैसे करो जो मैंने ट्रिक बताया था,
ट्रिक बताया था ना बीच में एक मैंने, वो ट्रिक क्या था, आपको दर निकालनी है, दर बराबर है गुणा माइनस एक बटे में क्या था समय, यहाँ क्या निकालना है, दर निकालनी, गुणा क्या हो जाएगा 100, गुणा क्या था यहाँ पर 3 माइनस एक, समय कितना है 10, गुणा क्या आ गया 100, तो क्या आ गया 2/10 गुणा 100, यहाँ पे 10 से कितना 10 दे 100, तो कितना बन गया 20 वर्ष। दोस्तों निकल गया ट्रिक से, ये ट्रिक था और ये क्या था क्वेश्चन करने का तरीका, दोनों तरीके लगातार आपको बताए जा रहे हैं, यानी कि बार बार आपको करवाए जा रहे हैं कि बार बार आपको याद हो जाए, समझ आ गया। अगर यहाँ पे समय निकालना होता तो समय यहाँ चला जाना था, दर यहाँ आ जानी थी, ठीक है, वैसे निकल जाना था। ओके आगे चलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको निकालना चाहिए था फास्ट ट्रैक में, लेकिन आपने नहीं निकाला। 4800 की राशि पर 5%, ठीक है, ये सिर्फ 3 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग हैं, अभी आपको ये निकालना है, जल्दी जल्दी निकालो, तो कुछ भी नहीं है इसमें, आपको क्या निकालना है ब्याज, क्या निकालना है ब्याज। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर 4800 रुपये की राशि को 5% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ब्याज जो है मूलधन कितना है 4800, मूलधन दर कितना है 5, समय कितना है 2 वर्षों में, और क्या आ गया, तो निकालो कितना आ गया 480 रुपये, कितना आ गया 480 रुपये। एक बात है यहाँ पर, ये तो था 2.5 वर्ष था कि 2.5 लिख दिया था, 480 आएगा यहाँ पर जो है, कोई भी इसका आंसर नहीं है, आंसर क्या है इसका आपका 480 रुपये। एनीबडी निकला, किस किसने निकाला जल्दी बताओ, ये तो सिंपल था, ये है अग्निवीर का क्वेश्चन, जो पहले मैंने 5 टाइप करवाए थे ना पहले, वो सारे अग्निवीर वाले हैं, वहीं से क्वेश्चन आएगा, सिर्फ समय में परिवर्तन हो सकता है, वो सिखाया था मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से, वो आप उसको जरूर करें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको निकालना क्या है, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, दर निकालनी, क्या निकालनी है दर। देखो दोस्तों दर निकालनी है आपको, वैसे तो शॉर्ट ट्रिक क्या था, यहाँ समय लिख दिया मैंने, कितने गुणा हो जाएगा 8 वर्षों में 2 और साथ में क्या है समय, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/8 गुणा क्या आ गया 100, 4 × 8 और ये कितना बन गया 4/25, 2 से ही कितना आ जाएगा, ये अगर वैसे निकालूँ तो 12 पॉइंट समथिंग आ गया, ये उसका उत्तर आ गया, ये लग गया सीधा ट्रिक, ये ट्रिक था जो अभी बताया था मैंने, और तरीके से करना तो क्या होगा वही बात आ जाएगी, पहले क्या मानेंगे इसको, ये कर लिया आपने, अब वैसे क्या तरीका वही आ गया, आपने क्या मान लिया मूलधन एक्स, ठीक है, मिश्रधन कितना बन गया, कितना हो जाएगा 2 गुणा, ठीक है, ब्याज कितना आ गया आपके पास 2x - x कितना आ गया एक्स, तो आपको अभी निकालना क्या है दर निकालनी है, दर बराबर है 100 गुणा ब्याज एक्स, नीचे क्या जाएगा आपका मूलधन एक्स गुणा क्या है समय कितना है 8, एक्स एक्स कट गया 100 बटे क्या गया 8, लगभग कितना आ गया 12%, यही निकल गया, ठीक है। ट्रिक से भी है और ऐसे भी है, जितना बार बार प्रैक्टिस करोगे, मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ, आप जितने भी चाहे वीडियोस देख लो, चाहे आपको कोई बोल दे सिर पे हाथ रख दे कि मैथ आ जाएगा, मैथ ऐसे कभी नहीं आता दोस्तों, ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार एक ही वीडियो को देख देख के प्रैक्टिस करते जाओ, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हमें 20-25 क्वेश्चन की, बार बार करते जाओ, जैसे आप करेंगे आपका मनोबल बढ़ जाएगा और फिर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 7200 रुपये पर, जल्दी निकालना, ये तो बहुत आसान है, सीधा ही आ गया 7200 × 4 गुणा क्या आ गया 8/12, सिखाया था ना मैंने आपको कि माह को कैसे बदलना है वर्ष में, 8/12 कैसे बदलेंगे 8/12 वर्ष, 12 से इसको क्या कर देंगे भाग, ये मैंने कल बड़े अच्छे से आपको बताया है, तो ये 2 कट गए 12 6, ये 4 8 32 6, तो यहाँ पे कट कट आके मेरे पास कितना आया 192, कितना आ गया 192, ये उत्तर आपका आ गया, ये ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अब इसको तो कर दो भाई, ट्रिक लगा दो, चलो ज़्यादा लंबा क्यों जाना, आपको क्या निकालना है ब्याज की वार्षिक दर, दर निकालनी, दर सिंपल, दर यहाँ आ गई, समय नीचे आ गया, गुणा यहाँ पे आ गई, गुणा कितना है गुणा यहाँ पे आ गया, माइनस एक आ गया,
साथ में 100 आ गया, यहाँ पे कितना गुणा, यहाँ पर 3 गुणा, तो क्या आ गया 3 माइनस 1 समय कितना है यहाँ पर 30 वर्ष, गुणा क्या आ गया 100, तो ये क्या आ गया 2/30 गुणा 100, तो ये क्या बन गया आपका 15 और 15 छिके 90, यानी 6 point something ये आएगा आपका उत्तर। तो दोस्तों ये था आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पे कितना टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन आ सकता है वो हमने किया आज। पहला जो वीडियो था बिल्कुल आसान मैथमेटिक्स उसमें है, जहाँ से आपका जो अग्निवीर वाला सिलेबस वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आप साथ में प्रैक्टिस करिए। ऑनलाइन के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा आपको कि ऑनलाइन वाले जब भी पढ़ें पेन और कॉपी साथ में रखें और साथ में प्रैक्टिस करें। मैं गारंटी देता हूँ आपको अग्निवीर के साथ जो दूसरा भी है वो सारे का सारा मैथ बड़े आराम से आएगा। जय हिंद दोस्तों।